हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको डीप गोल गला करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, डीप ये 38 इंच का साइज का बन रहा है। तो इसका शोल्डर रखे हैं 5.5। 14 इंच इसका शोल्डर था, तो इसमें 1.5 इंच हम कम कर दिए हैं। टोटल ले लिए हैं 5.5 इंच। और यहाँ से अब गला का चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और 2 पॉइंट यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसका डीप नीचे से 3 इंच छोड़ लेंगे। आप इसको कम ज्यादा भी रख सकते हैं। अब इसको पूरे डीप में बनाना है, तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से सीधा 4 इंच यहाँ तक रखेंगे और यहाँ से इसको तिरछा इस तरह से रखेंगे। इसको सीधा पहले मिला लेंगे और अब इसको देखिए यहां से राउंड करेंगे। यहां से हल्का हल्का इधर इस तरह से लाएंगे और यहां पर ऐसे इस तरह से राउंड करेंगे और यहां मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा तो ये गोल बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जब डीप गला है, इसको सीधा कर ले रहे हैं, ये जो डीप गला हम बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट इधर से हम डाउन करेंगे और अब इसको कट कर लेंगे। ये वाला निशान है, अब इसी निशान पे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से डीप ये गला हो गया। और यहाँ पर जब टक्स लगाएंगे तो ये और इस तरह से फैल जाएगा। और अब देखिए, यहाँ पे ये मेन फैब्रिक को रखेंगे इसके ऊपर और इसको बराबर इस तरह से रख करके चारों तरफ पिन लगा लेंगे और उसके बाद में इसमें कच्चा सिलाई चारों तरफ से लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कच्चा सिलाई चारों तरफ लगा लिए हैं और जो भी बाहर निकला हुआ था कपड़ा बराबर से इसको कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर टक्स लगाएंगे और नीचे में पट्टी लगाएंगे। इसके बाद इसमें गोल गला में किस तरह से पट्टी लगाना है वो भी बताएंगे। ये देखिए, अब इसको ये पट्टी लगा करके और इसके इधर पलट करके और देखिए यहाँ पे किनारे से एक सिलाई लगाए हैं। इससे इसको जब मोड़ेंगे तो ये फिनिशिंग से बैठ जाएगा। और अब ये गला के लिए पट्टी निकालेंगे, तो यहाँ पर ये छोटा छोटा टुकड़ा है इसको रख लिए हैं। और ये देखिए, इसको सीधा कट नहीं करेंगे, इसको तिरछा कट करेंगे। देखिए, तिरछा से इस तरह से स्ट्रेच होता है, लेकिन अगर सीधा कट करेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होता है, तो इससे गला पे ठीक से बैठेगा नहीं, तो हम इसलिए हमको तिरछा कट करना है। तरीके से कट कर लिए हैं। अब देखिए, इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह से इसको मिला के ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको पलट लेंगे और इस तरह से रखेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसका कोना है जो बाहर निकलना चाहिए और इधर का भी थोड़ा सा इस तरह से रख के और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच कर लिए और इसी तरीके से पूरे पट्टी को हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पूरा ज्वाइंट कर लिए हैं और इसको फिनिशिंग के लिए देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर निकला हुआ है इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये वाला पार्ट लेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे
इसको इस तरह से रखेंगे और किनारे से दो पॉइंट छोड़ करके इसमें सिलाई कर लेंगे। और कपड़ा को इस तरह से खींच के नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से इस तरह से रखना है और स्टिच करते जाना है। और ये देखिए सिलाई हो गया पूरे गोलाई में। अब पूरे गोलाई में छोटा छोटा इस तरीके से कट लगाएंगे। देखिए कट इस तरीके से लगाएंगे, ये कैंची का जो नोक है यहाँ से कट लगाना है। बहुत लोग जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ से इस तरह से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये बाहर तरफ भी कट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए इसको यहाँ से कट करना है इस तरह। और देखिए काटना भी है तो यहाँ देखिए सिलाई कटा नहीं है, बस जस्ट सिलाई के लगा हुआ है पर सिलाई नहीं कटा है। इसी तरीके से पूरा गोलाई में कट कर लेना है। ये हम पूरे गोलाई में कट कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से देखिए इधर मोड़ लेंगे और यहाँ से नाखून से इस तरह से दबा लेंगे और पूरे में इस तरह से कर लेना है। और फिर यहाँ से किनारे से देखिए इधर अस्तर वाला तरफ में किनारे से इसका सिलाई लगाएंगे, इससे इसको जब मोड़ेंगे इस तरीके से तो अच्छा से बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से किनारे से हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको मोड़ेंगे और यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। अभी हम बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कच्चा सिलाई इस तरह से मोड़ के लगा के आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से अच्छा से ये गला बैठ गया है। ये देखिए इस तरीके से हम कच्चा सिलाई लगा लिए हैं, बाद में इसको खोल करके हम तुरपाई कर लेंगे। और यह देखिए कहीं पे भी गला में झोल नहीं है, इसको आयरन करके इसको बिठा लेंगे। और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।